पिछले एक साल में नवीन बाबू की तबीयत लगातार गिरती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। लोग बरसों से नवीन बाबू के साथ रहे हैं वो बताते हैं कि अब नवीन बाबू अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी आशंका जताते हैं कि नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। तो आप मुझे बताइए, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी, ये कमेटी जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत एक साल में ऐसे कैसे गिर गई। साथियों, आज उड़ीसा के लोगों के सामने मैं एक संवेदनशील मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे गंभीरता से सुने और समझे। ये विषय नवीन बाबू की तबीयत से जुड़ा है। आज नवीन बाबू के शुभचिंतक ये देखकर परेशान है कि पिछले एक साल में नवीन बाबू की तबीयत लगातार गिरती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। जो लोग बरसों से नवीन बाबू के साथ रहे हैं वो बताते हैं कि अब नवीन बाबू अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग ये भी आशंका जताते हैं कि नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। ये लोगों की आशंका है तो आप मुझे बताइए, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? और इसलिए 10 जून को जब बीजेपी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और उड़िया मुट्ठी में से निकला कोई बेटा या बेटी 10 जून को शपथ लेने वाला है। सरकार बीजेपी की बनने वाली है, भाजपा की बनने वाली है और भाजपा की सरकार बनने के बाद एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत एक साल में ऐसे कैसे गिर गई, ऐसी खराब कैसे हो गई, और जांच कर करके सारी सच्चाई देश और उड़ीसा के लोगों के सामने लाएगी।